गुड इवनिंग स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं राहुल एक नई अपडेट के साथ। जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी भी खबर है और बुरी भी खबर है। वो आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या अच्छा होने वाला है क्या बुरे होने वाला। देखो, जितने भी स्टूडेंट इस ईयर एडमिशन लेंगे, चाहे वो यूजी कोर्सेज में एडमिशन लें या पीजी कोर्सेज में, पहले क्या होता था, लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज 3 साल के लिए होता था। ये पूरे यूपी में ऐसा ही होता था, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेते थे। लेकिन इस बार प्रदेश का एकमात्र पहला ऐसा विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय जिसने अपने कोर्सेज में बदलाव किया है। क्या है बदलाव? कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र 4 साल पढ़ेंगे तब जाके उनको अंडर ग्रेजुएट की मतलब डिग्री मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट में 3 कोर्सेज के प्रस्तावना पास हो चुके हैं, जैसे वही आर्ट डिपार्टमेंट, बीएससी मतलब साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स से इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। वही जहां तक बात करें पीजी कोर्सेज में, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का साइंस डिपार्टमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है इस पे। आइए जानते हैं कि इसमें अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है। क्योंकि आप 2021 में एडमिशन लेने आ रहे हो लखनऊ विश्वविद्यालय में, और आपको अभी पता ही नहीं रहेगा कि अब हम मैं जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा हूँ वहां पे मुझे 4 साल पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली अच्छाई ये है कि पहले क्या होता था, लोग अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद पास करके आते थे, क्या होता था कॉलेज में उनको अच्छा नहीं लगता था तो वो कॉलेज छोड़ के चले जाते थे। तो उनका क्या होता था, पूरा साल बर्बाद हो जाता था, फिर उनको नए कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, फिर वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला क्या है, इंट्री और एग्जिट का, इसमें एकदम फ्रीली आ सकते हो जा सकते हो। सबसे पहले क्या, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करोगे तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, मतलब आपका वो पढ़ा हुआ बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वहीं सेकेंड ईयर की बात करोगे तो आपको दूसरी डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। थर्ड ईयर में आपको स्नातक की डिग्री तो मिल जाएगी, ठीक है, और उसमें 2 इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और चौथे साल में आपको एक रिसर्च मेथोलॉजी मतलब रिसर्च के तहत कुछ होंगे। जैसे मान लो आप कि इसमें काम मतलब पहले क्या होता था कि वो थ्योरेटिकल स्टूडेंट पढ़ता रह जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन इस कोर्स में सबसे अच्छाई क्या है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, ठीक है। सबसे अच्छी अच्छाइयां ये हैं, बुराइयां ये हैं। बुराइयां इस बात की है कि इसके लिए आपको 4 साल गंवाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये लखनऊ विश्वविद्यालय मतलब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र विश्वविद्यालय है जिसने अपने शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट किया है। आप पहले से सुनते चले आ रहे थे, 2021 से सुनते चले आए हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर आएगा, कि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पीजी के कोर्सेज में जान लेते हैं, पीजी में अभी इसे साइंस द्वारा फैकल्टी द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी इसे अप्रूव करने वाली है, जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है अभी। लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं जारी किया गया, लेकिन विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया हैंडल से रोज इसके प्रति विचार, सकारात्मक विचार आते रहते हैं। वहीं इस कोर्सेज के मतलब सबसे मतलब जो लखनऊ विश्वविद्यालय का टीचर एसोसिएशन है वो इसको मतलब नकार रहा है, कह रहा है कि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा ठीक करना नहीं है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस कोर्सेज में कराने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और सबसे पहले जानकारी मैंने आपको बताई है और कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। हो सके कल कॉपी पेस्ट करके कोई डाले तो आप बिल्कुल दूर रहिएगा। इसके संबंध में हम लोगों ने एक ब्लॉग भी लिखा है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल लिखा है कि किस तरह से कैसे इसको एडॉप्ट किया गया है और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मीन अब इसमें क्या होगा, 192 क्रेडिट देना होगा, मीन्स आपको आपकी डिग्री के साथ, मीन्स अंडर ग्रेजुएट की डिग्री के साथ आपको रिसर्च की भी डिग्री मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के भी शेयर जरूर करिएगा जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।